जी स्टूडेंट्स बच्चों आज हमें स्टार्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी माजी के मुतालिक हमने टेंस स्टार्ट करना है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया था उसी तरह सेम होगा, लेकिन बस डिफरेंस जो होता है जस्ट फॉर्मूलाज का आइडेंटिफिकेशन का होता है। लेकिन आपको मैं इसकी पहचान सबसे पहले बताती हूँ। आइडेंटिफिकेशन जुमले के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा अलिफ ये। ठीक है, यानी लास्ट पे सेंटेंस के लास्ट पे आ सकता है गया, जैसे फॉर एग्जांपल गया गई गए वगैरह कह सकते हैं हम। यानी लास्ट पे जो है ना सेंटेंस के अलिफ और इस तरह के वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन, ये इसकी पहचान। आप हम कहेंगे कि मिस दूसरे सेंटेंसेस में भी आ जाता है लास्ट पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका जस्ट जो स्पेशल है वो लास्ट पे गया गई, यानी इस तरह पता चलेगा जो काम हुआ है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसकी मजीद पहचान ये है कि जाहिर सी बात है पास्ट है, माजी का टेंस है, तो इसमें इसकी पहचान ये भी इंक्लूड कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन कि आपके काम हो गया। ठीक है, हो चुका है नहीं कह सकते, हो गया। ठीक है, तो ये इसकी पहचान। ठीक है, नेक्स्ट इसका फॉर्मूला देखिएगा बच्चों। फॉर्मूला इसका सिंपल का, नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का। ठीक है, सिंपल का फॉर्मूला इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ड यूज नहीं करना, सिंपल। ठीक है, इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ड यूज करने को नहीं मिलेगा। इसमें जस्ट आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी जरूरी है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये बहुत ईजी टेंस है, जिस तरह हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया था डू या डज। ठीक है, वो इसमें इस तरह नहीं है कि थर्ड पर्सन के साथ हमने क्या यूज़ करना है, सेकंड के साथ हम फर्स्ट के साथ क्या यूज़ करना है, कुछ नहीं है। इसमें जस्ट नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको डेट मिलेगा। ठीक है, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म डेट होती है, थर्ड भी डेट ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जस्ट डिड हेल्पिंग वर्ब है आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव है। इन दोनों में आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे, लेकिन सिंपल में नहीं मिलेगा आपको हेल्पिंग वर्ब। और ये जो डिड है हेल्पिंग वर्ब, ये आप सारे प्रोनाउंस के साथ यूज कर सकते हैं। यानी आप जो है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, यानी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, सबके साथ यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला देखिएगा, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का आपका आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे राइट होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है रोड, फिर आती है रिटन। तो आपको रोड इस्तेमाल करनी है, जस्ट आपकी सेकंड फॉर्म इसमें आना, सेकंड फॉर्म का इधर काम है। सिंपल वर्ब की सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आ गया था ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप, बस सिंपल। कितना फॉर्म नेक्स्ट देखिएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको जो हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ये जो सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में जाकर चेंज हो जाएगी। किसमें? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, क्योंकि जुमले में एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेंटेंस में एक मरतबा जो सेकंड फॉर्म आ गई है फिर मजीद सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हम, नहीं लिखते। ठीक है, एक मरतबा ये सेकंड फॉर्म लिख दी है, एक मरतबा स्टार्ट में लिख दी है या मिड में कहीं भी लिखा है सेंटर वगैरह में, तो मजीद उसकी आगे जो है सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ गया और ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट में चेंज होगी, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डिड नॉट। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू और डस यूज किया था, तो इसमें हम नहीं, इसमें जस्ट हम डिड यूज करें। ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप, जस्ट बस। नेक्स्ट देखिएगा इंटरोगेटिव, देखिएगा इंटरोगेटिव में ये जो डिड है मैंने आपको हमेशा बताया हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट कर जाता है, डिड आ गया स्टार्ट पे, फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी तरह इस तरह मैंने आपको बताया। नेगेटिव में भी एक बार जो सेकंड फॉर्म आ गई है डिड, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो इसमें यहाँ पे आके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फर्स्ट में चेंज हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आता है, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपके तीनों फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अब नेक्स्ट देखिएगा, मैं आपको सेंटेंस मेकिंग इसका बताती हूँ किस तरीके से ये फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम किस तरह इसको प्रिपेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन है कि आप सेंटेंस है, सॉरी, कि आप नारे लगा, आपने नारे लगाए। ठीक है, आपने नारे लगाए, यू रेज स्लोगन्स। ठीक है, स्लोगन्स कहते हैं नारे को, रेज यानी लगाना, नारे लगाना, यू रेज स्लोगन्स, आपने नारे लगाए। नेक्स्ट देखें, ये देखें सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन फुल स्टॉप। ठीक है, ये आ गया सिंपल सेंटेंस।
एक और सिंपल सेंटेंस है, दे एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन, ठीक है, वो उन्होंने हमारा दावतनामा जो है वो कबूल किया, ठीक है, ये पता चल रहा है कि माजी में काम हुआ है, ये हो गया, ठीक है, दे एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन, इनविटेशन कहते हैं दावत को, ठीक है, एक्सेप्टेड यानी कबूल करना, आवर यानी हमारा, दे उन्होंने, उन्होंने हमारा जो दावतनामा है वो कबूल किया। नेक्स्ट देखिएगा नेगेटिव का सेंटेंस का आपको बता रही हूँ, द कॉबलर डिड नॉट मेंड माय शू, शू एक जूते को कहते हैं, शूज जो है वो ज्यादा जूतों को कहते हैं, जब जूते कहा जाएगा तो फिर हमने शूज लिखना, जब जूता कहा जाएगा तब हमने शू लिखना, ठीक है। द कॉबलर, कॉबलर कहते हैं मोची को यानी जूता मरम्मत करने वाले को, द कॉबलर, ये आपका आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए, इसका सब्जेक्ट देखिए, द कॉबलर डिड नॉट मेंड माय शू, मेंड मतलब मरम्मत करना, माय यानी मेरा, शू यानी जूता, जो मोची है, मोची ने मेरा जूता मरम्मत नहीं किया, ठीक है, तो डिड नॉट आ गया यहाँ पे, तो ये सेंटेंस है आपका। नेक्स्ट देखिएगा लकीली, ये भी नेगेटिव है, लकीली द बॉम डिड नॉट एक्सप्लोड, यानी यानी खुशकिस्मती से जो बॉम है वो नहीं हटा, लकीली, लकीली यानी खुशकिस्मती से, द बॉम यानी सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, डिड नॉट एक्सप्लोड यानी बॉम खुशकिस्मती से नहीं फटा। नेक्स्ट देखिएगा इंटरोगेटिव, डिड द नोबल वुमेन ब्रिंग अप द ऑर्फन चाइल्ड, ऑर्फन कहते हैं यतीम को, चाइल्ड कहते हैं बच्चे को, ब्रिंग अप यानी पालना, वुमेन कहते हैं औरत को, नोबल नेक औरत, ठीक है, डिड द, ये आपका आ गया, अब स्टार्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डिड, ठीक है, डिड द ये सब्जेक्ट आ गया आपका, डिड द नोबल वुमेन ब्रिंग अप द ऑर्फन चाइल्ड यानी क्या नेक औरत ने यतीम बच्चे की परवरिश की, तो ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिएगा डिड ही स्पेंड व्हाट ही अर्न, क्या वो जो कुछ कमाता है वो खर्च कर देता, क्या उसने जो कुछ कमाया खर्च कर दिया, अर्न यहाँ पे जस्ट अर्न आएगा, अर्न नहीं आएगा, ठीक है, डिड ही स्पेंड व्हाट ही अर्न, ठीक है, वो जो कुछ कमाता है क्या वो उसने जो कुछ कमाया क्या उसने खर्च किया, तो इस तरह आएगा, ठीक है, तो ये आपके सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों फॉर्म्स में आता है। इसके अलावा आपको कोई इशू होगा बच्चों मुझसे क्लियर करिएगा, आपके फॉर्मूला और इसकी सेंटेंस मेकिंग में कोई इशू हो तो इंटरोगेट जरूर डिस्कस करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।